आई एम श्योर आप भी जानना चाहोगे कि उबर के नीचे से इंसान अपना दिन कैसे स्पेंड करते हैं, उनका बिजनेस के लिए माइंडसेट क्या है और वो कैसे सोचते हैं। इन्हीं सारे सवालों का जवाब मिलेगा इस वीडियो में। मैंने अभी रिसेंटली एक बुक पढ़ी जिसका नाम है इन्वेंट एंड वेंडर अ कलेक्टर राइटिंग ऑफ जेफ बेजोस। जब इस बुक के ऑथर वॉल्टर आइजैक्सन, जिन्होंने स्टीव जॉब, आइंस्टाइन एंड लियोनार्डो द विंची पर बुक लिखी है, उनसे पूछा गया कि वो कौन से लिविंग इंसान है जिनके ऊपर आप बुक लिखना चाहोगे, तो उन्होंने एक ही नाम लिया, जेफ बेजोस। जेफ बेजोस एक रियल इनोवेटर है। जेफ बेजोस का कहना है, अ क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेटर दैट मेक्स अ पर्सन रियल इनोवेटर। जब मैंने इन्वेंट एंड वंडर बुक पढ़ी तब मुझे कुछ लाइफ लेसन मिले जिनकी वजह से जेफ बेजोस एंड अमेजोन आज दोनों इतने सक्सेसफुल हो गए। ऐसे लेसन जिनकी वजह से एक ऑनलाइन बुक स्टोर आज एक ट्रिलियन डॉलर कंपनी बन गई है जो मिलियंस ऑफ लोगों को जॉब देती है। तो अभी हम अमेजोन की हिस्ट्री देखेंगे। 1994 में जेफ बेजोस ने हेज फंड का जॉब छोड़ दिया ऑनलाइन बुक स्टोर ओपन करने के लिए। 5 साल बाद वही अमेजोन का वैल्यू $30 बिलियन तक टच हुआ। 2000 के .com बबल में अमेजोन की शेयर की प्राइस $106 से सीधा $6 आ गई थी, पर अमेजोन ने .com बबल भी सर्वाइव कर लिया। 2005 में उन्होंने अमेजोन प्राइम की शुरुआत की। 2006 में अमेजोन की कैश काउ आ गई जो है अमेजोन वेब सर्विस, मतलब AWS। उसी से उन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग में एंट्री ले ली एंड 2015 में AWS का प्रॉफिट था $1.5 बिलियन। आज अमेजोन का वैल्यूएशन $1.7 ट्रिलियन है एंड वो हर साल 10 बिलियन से भी ज़्यादा पैकेजेस डिलीवर करती है। तो इस बुक से मैंने 4 लेसन लिए हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और वो लेसन है, फर्स्ट इज बी अ डे वन कंपनी, सेकेंड है 3 ईयर परस्पेक्टिव, थर्ड वन इज हाई IQ डिसीजन, मतलब हाई क्वालिटी डिसीजन, एंड फोर्थ वन इज कॉम्पिटिशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। तो वॉट इज द बी वन डे कंपनी? सोचो कि आपने एक नया कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, वो बिजनेस लोगों की बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, आप में बहुत एनर्जी है, आप बहुत एक्साइटेड है। अगर आप अपना हर दिन उसी तरह से स्पेंड करोगे जैसे वो आपके बिजनेस का फर्स्ट डे है, आप रोज नए एक्सपेरिमेंटल आइडियाज के साथ आओगे और इनोवेट करोगे। जेफ बेजोस की डे वन मेंटेलिटी करीब 27 सालों से है। वो रोज यही सोचते हैं कि उन्होंने कल ही अपना हेज फंड का जॉब छोड़ के खुद का ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया है, इसी वजह से उनमें आज भी सेम एक्साइटमेंट होती है। बहुत सारे बिजनेस ओनर अपने डे वन मेंटेलिटी खो देते हैं जब वो प्रॉफिटेबल बन जाते हैं या फिर बिजनेस स्टार्ट करने के 5 से 6 साल के अंदर वो खो देते हैं। लेकिन बेजोस ने अपनी डे वन मेंटेलिटी को खोने नहीं दिया, इसी वजह से वो कस्टमर, बिजनेस एंड प्रोडक्ट के इनोवेशन के ऊपर फोकस देकर काम कर पाते हैं। वो हमेशा ही सही अपने कस्टमर से फीडबैक लेते थे इम्प्रूवमेंट के लिए, अपने कस्टमर के हिसाब से वो प्रोडक्ट में इम्प्रूव करते थे, इसीलिए वो हमेशा से इनोवेट भी कर पा रहे थे। वैसे भी एक कोट है, हैप्पी कस्टमर इज अ बेस्ट बिजनेस स्ट्रेटजी ऑफ ऑल। सेकेंड वन इज 3 ईयर्स परस्पेक्टिव। बेजोस कहते हैं कि जब भी उनके क्वार्टरली रिजल्ट आते थे तब रिपोर्टर्स उनसे कहते थे कि कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर क्वार्टरली रिजल्ट, एंड मैं उन्हें थैंक यू भी बोल देता था, पर मेरे दिमाग के अंदर यही बात चल रही होती थी कि इस रिजल्ट की प्लानिंग मैंने 3 साल पहले की थी एंड अभी आने वाले 3 साल बाद के क्वार्टर के बारे में सोच रहा हूँ। बेजोस सारे बिजनेस प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटीज को 3 ईयर परस्पेक्टिव से देखते हैं, इससे वो कैलकुलेटर रिस्क लेकर अपॉर्चुनिटीज का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब बेजोस ने 1994 में अमेजोन स्टार्ट किया था तब उन्हें एक स्टैटिस्टिक्स के बारे में पता चला कि वर्ल्ड वाइड वेब 2300% से बढ़ रहा है, वो भी हर साल, इसी वजह से एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना अच्छा होगा। उसके बाद उन्होंने एक लिस्ट बनाई वो चीज़ें जो वो ऑनलाइन बेच सकते थे और उसमें से उन्होंने बुक्स को चुना। कुछ सालों बाद जब उन्होंने अपने कस्टमर से पूछा एंड फीडबैक लिया कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप ऑनलाइन खरीदना पसंद करोगे, तो इस पे उस कस्टमर ने कहा कि
सारे इलेक्ट्रॉनिक चीजें। इसी वजह से बेजोस ने बुक्स के साथ साथ अब इलेक्ट्रॉनिक्स भी सेल करने लगे अपनी वेबसाइट पे। 2000 के डॉट कॉम बबल के वक्त जब अमेज़न का स्टॉक $6 तक आ गया था, तब बेजोस ने थोड़े शांत मन से सोचा और अपनी कंपनी के इंटरनल मैट्रिक्स का रिव्यू किया, तब सारे मैट्रिक्स पॉजिटिव थे। सो जो भी लोग सोच रहे थे कि अमेज़न डूबने वाली है, बेजोस ने उन लोगों को इग्नोर कर लिया क्योंकि वो 3 साल बाद के बारे में सोच रहे थे। अगर आप सोच रहे हैं कि 3 साल ही क्यों, तो 3 साल इतने बड़े होते कि उससे शॉर्ट टर्म का नॉइज कम हो जाता है, पर आने वाले 3 सालों को हम अच्छे से प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहोगे कि ऐसी कौन सी चीज है जो 3 साल बाद भी इम्पोर्टेंट रहेगी, रिलेवेंट रहेगी, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी चीजें है जो 3 साल बाद भी चेंज नहीं होगी। बेजोस को हमेशा ही पता था कि अमेज़न के कस्टमर को हमेशा से ही लो प्राइस, फास्ट डिलीवरी एंड प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस यही चाहिए। तो उन्होंने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट एंड लॉस को इग्नोर करते हुए सारा फोकस इन्हीं चीज़ों पे डाला था। थर्ड वन इज 3 हाई IQ डिसीजन। बेजोस कहते हैं कि मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ और रात को जल्दी सो जाता हूँ। सुबह उठ के कॉफ़ी पीना, न्यूज़पेपर रीड करना एंड बच्चों के साथ ब्रेकफास्ट करना मुझे पसंद है, इसलिए मैं दिन की सबसे फर्स्ट मीटिंग सुबह 10 बजे रखता हूँ। उनकी सारी मीटिंग सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक इस टाइम के बीच में ही होती है। वो कहते हैं कि मेरी जॉब ये नहीं कि डेली हज़ारों डिसीजंस, हमें बस 3 हाई क्वालिटी या फिर 3 हाई IQ वाले डिसीजंस लेने चाहिए। इवन वॉरेन बफेट कहते हैं कि उन्होंने अगर पूरे साल में सिर्फ 3 हाई क्वालिटी डिसीजंस ले लिए तो वो उसमें भी खुश है, पर सारे हाई क्वालिटी डिसीजंस कैलकुलेटर रिस्क के साथ एंड 3 ईयर पर्सपेक्टिव के साथ ही होने चाहिए। नेक्स्ट इज कंपटीशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। इसमें बेजोस जीरो सम गेम की बात करते हैं। जीरो सम गेम मतलब एक की हार होगी तभी दूसरा जीतेगा। फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स एक जीरो सम गेम है, 2 टीम्स खेलती है, एक हारेगी तभी जीतेगी। इलेक्शन में भी एक पार्टी हारती है तभी एक जीतती है। पर बिजनेस में जीतने के लिए हमें निम्बलनेस और रोबस्ट होना चाहिए। निम्बलनेस मतलब क्विकली एक्शन लेना, डिसीजंस लेना एंड रोबस्ट मतलब एक तरीके से एक स्ट्रॉन्ग कंपनी होना। और स्ट्रॉन्ग कंपनी होने के लिए हमें हमेशा एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए एंड फेल से नहीं डरना चाहिए। बेजोस के हिसाब से 2 तरीके के फेलियर्स होते हैं, एक है एक्सपेरिमेंटल फेलियर एंड सेकेंड इज ऑपरेशनल फेलियर। अमेज़न ने बहुत सारे फुलफिलमेंट सेंटर बनाए हैं पिछले कई सालों में। अगर हमने कोई फुलफिलमेंट सेंटर बनाया और वो अच्छा नहीं था तो वो एक डिजास्टर है एंड वो एक ऑपरेशनल फेलियर है। पर हमने कोई न्यू प्रोडक्ट बनाया या फिर न्यू सर्विस डेवलप कर रहे हैं एंड वो अच्छे से वर्क नहीं हुआ तो वो एक गुड फेलियर है, वो एक एक्सपेरिमेंटल फेलियर है जो अच्छा है। और अगर आप इन दोनों में फर्क करना समझ गए तभी आप इन्वेंशन एंड इनोवेट कर पाओगे। तो आपको भी यही 4 लेसन याद रखने चाहिए और वो है, फर्स्ट इज हमेशा डे 1 मेंटालिटी रखिए, सेकेंड 3 इयर्स पर्सपेक्टिव के साथ कैलकुलेटर रिस्क ले, थर्ड वन इज दिन में 3 हाई क्वालिटी डिसीजंस ले, फोर्थ वन इज कॉम्पिटिशन से जीतने के लिए एक्सपेरिमेंट करते रहे एंड फेल होने से ना डरे। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।